हेलो मित्र, आज हम समझेंगे कि एथेन से मीथेन कैसे बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने मीथेन से एथेन बनाया था, आज हम लोग एथेन से मीथेन कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। एथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 होता है मित्र, और इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। अब क्या होता है कि C2H6 से CH4 बनाना है। सोचने वाली बात है कि दो कार्बन से एक कार्बन में लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे मित्र। पहले क्या होता है, जो CH3 जो है, मतलब C2H6 है, उसको हम क्या करेंगे, किसी भी माध्यम से एसिड में कन्वर्ट करें तो हमें एक रिएक्शन पता है। एसिड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हमें एक रिएक्शन मिलता है, जिसका रिएक्शन होता है सोडा लाइम के साथ। जो हमें एसिड मिलेगा, सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो हमें आसानी के साथ मीथेन मिल जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगाकर रिएक्शन हम करेंगे, हम क्या करेंगे, जो एथेन है इसका रिएक्शन करा देंगे Br2 के साथ, और थोड़ा सा हीट कर दिया जाएगा। जब Br2 के साथ हीट करेंगे मित्र, तो यहाँ क्या होता है, एक H यहाँ से निकलता है और एक Br यहाँ से HBr निकल जाता है, और एक Br आकर यहाँ जुड़ जाता है, जिसे CH3CH2Br बन जाता है मित्र। फिर क्या होता है, इसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, तुरंत के तुरंत एक्वस के OH से करा देते हैं मित्र। यहाँ अल्कोहलिक मत लिखिएगा, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगा। यहाँ जब भी हम यूज करेंगे, यहाँ एक्वस KOH या NaOH ही यूज करेंगे। KOH भी ले सकते हैं हम, और चाहे तो NaOH भी ले सकते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है मित्र, यहाँ पर ये जो K है या Na है, जो ये Br के साथ निकल जाता है। अगर जो K है तो KBr निकलेगा, और अगर आपने Na लिया है तो NaBr निकल जाएगा, और एल्कोहल का जो समूह है यहाँ आकर जुड़ जाएगा, जिसे बनता है CH3CH2OH। अब मित्र क्या करेंगे, जो हमारा CH3CH2OH जो है, ये मित्र क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम करा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है मित्र, जो होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तीन प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक होता है एसिडिक या बेसिक, K2CR2O7 होता है, जिसे पोटेशियम क्रोमेट कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एक होता है जो एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन KMnO4। इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, या कंसंट्रेट HNO3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर यह हम ऑक्सीडेशन का सिंबल भी लिख दें तब भी रिएक्शन संभव होगा। अगर जिनमें से हम कोई यूज करते हैं तब भी यहाँ रिएक्शन होगा। अगर जो आपका मन कर है तो यहाँ आप ले सकते हैं कंसंट्रेट HNO3। तो क्या होता है मित्र, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये जो एल्कोहल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद सीधे एसिड में कन्वर्ट होता है। होता क्या है मित्र, जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वह पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर एसिड में कन्वर्ट होता है। ये इजिली हो सकती है रिएक्शन। तो क्या होगा यहाँ मित्र, हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है यहाँ पर क्या करेगा, CH3 और एक कार्बन का CHO बना देगा। यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, जहाँ से CHO बन जाता है। फिर क्या होता है मित्र, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ बनता है CH3COOH, फिर CH3COOH समूह का रिएक्शन हम कराते हैं सोडा लाइम से। जैसा कि हमने पहले वीडियो से शुरुआत में बताया था कि सोडा लाइम का यूज यहाँ होगा। सोडा लाइम का होता है क्या, सोडा का मतलब NaOH प्लस लाइम का मतलब CaO। तो क्या होता है, सोडा लाइम का मतलब होता है सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये लिया जाता है। इसमें जो रेशियो होता है, ज्यादा रेशियो जो होता है इसका 3:1 के रेशियो में होते हैं, मतलब NaOH जो होते हैं वो 3:1 में होते हैं, और CaOH जो है वो 1:1 में होंगे। तो होता क्या है, सोडा लाइम का काम ही होता है कि इसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से CO2 गैस को निकालना, ये इसका रीजन है, इसका काम भी है, ठीक है। तो क्या होता है, CO2 गैस को यहाँ से निकाल देगा, और यहाँ पर ही आकर जुड़ जाता है, जिससे बनता है CH3H जो बना हुआ पार्टिकल, इसी को CH4 कहा जाता है, प्लस CO2 गैस जो है वो वेपराइज हो जाती है, जिससे हमें मीथेन मिल जाता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि हमने एथेन से और उसके बाद मीथेन बनाया।